चलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। हाँ हाँ, मैं यही बैठा मिलूंगा भाई साहब। यार गोली चल गई है, ये ले लेना फिर। वो रहा सामने बद्रीनाथ मंदिर। दो गेट और पार करने हैं। अच्छा, अरे वाह, जय श्री बद्री की साथ। चलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ का शहर है। कुछ कंस्ट्रक्शन चली हुई है, लगभग ये मान के चलिए 50% बद्रीनाथ जो है नया बन रहा है। तो हर जगह कंस्ट्रक्शन है, कुछ न कुछ साइडों भी बनाया जा रहा है। टाइमिंग क्या रहती है इसकी? 1 बजे से 3 बजे तक। 1 से 3 बजे तक बंद रहता है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा। यहाँ और भी हैं कुछ, शेष नाग कुछ ऐसे करके है, क्या बोलते हैं, विष्णु शेष? नहीं, शेष नेत्र बोलते हैं। शेष नेत्र वो कहाँ पड़ता है? वो ऊपर पड़ता है, पहले दर्शन करके आ जाओ। हाँ हाँ, मैं यही बैठा मिलूंगा भाई साहब। दुकान बंद कर, बढ़ा के थोड़ा सा, बढ़ाने का टाइम नहीं है। चल गई है कल गोली? चल गई, मैं कहने वाला था मगर इसी के गोली चल गई। ये कह रहे गोली चल गई, ये ले लेना फिर। सामान रख दीजिए आप, बेफिक्र होकर जाइए। ये लो, यहाँ कल गोली चल गई थी जिसकी वजह से सभी को दुकानें जल्दी बंद करनी पड़ रही हैं, इसलिए हमने भी प्रसाद जल्दी से लिया। पूरा बाजार बंद हो गया, पूरा कुछ भी खोलने दुकान जब तक आवाज नहीं। पूरा बंद करो, सीसीटीवी भी रहेगा। स्ट्राइक चल रही है यहाँ पे, इसलिए हम प्रसाद वगैरह जल्दी से लिए और दर्शन करके फिर आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, वो रहा सामने बद्रीनाथ मंदिर। अभी हम उधर जाके दर्शन करेंगे। ये आगे तक प्रसादों की दुकान। कोई तीर्थ तब जाकर सही मायने में तीर्थ होता है जब उसके पास से जल भी बह रहा हो। और ये देखिए, ये हमारा बद्रीनाथ जी का मंदिर है जहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं, और ये है जल। आइए हम आगे बढ़ते हैं, लंबी लाइन है, ज्यादा लंबी भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं। ये लो, यहाँ चिंटे मार के पंच स्नान बोलते हैं इसे, पंच कुंडों का स्नान। ये करने के बाद आप मंदिर जाओ। ये हम चढ़ रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर में। ये लो दोस्तों, बड़ी लंबी लाइन है, पंच स्नान जब तक किया हमने तब तक ये लाइन लग गई। ये लाइन है, यहाँ से सामने से राइट टर्न हो जाएगा। बिल्कुल दरवाजे पे आ गए हैं। मंदिर आगे है और भी, दो गेट और पार करने हैं। आप नहीं बोल सर, बोला
ये लो दोस्तों, दर्शन करके हम बाहर आ गए। श्री हनुमान जी और ये हैं श्री क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी। अच्छा, सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ से वीडियो बनवा रहे हैं और हो गया बहुत ही सुंदर तरीके से। और अब हम चलेंगे आगे, अब आगे बढ़ेंगे। अरे वाह, ये कौन से पक्षी प्यारे लग रहे हैं। प्रसाद चक्र श्री महालक्ष्मी, और ये पूरा परिसर है मंदिर का जो हमने अभी घूम के देख लिया अच्छे से। और अब हम नीचे चलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नजारा है बद्रीनाथ जी का। जय श्री बद्री विशाल झंडे पे लिखा हुआ है। अच्छे से दर्शन होंगे, बहुत अच्छे से। शंकराचार्य मठ है यहाँ पे, शेष नेत्र आश्रम।